सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र के मलिहाड्डी गांव के हरिजन टोला में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पूरा मामला को लेकर शिकायतकर्ता राकेश मिश्रा ने बताया कि रविवार दोपहर को सूचना मिली कि चिल्हिया थाना क्षेत्र के मलिहाड्डी गांव में स्थित एक मकान में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, जहां विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी सूचना के बाद हम लोग वहां पहुंचे और वहां पूरी स्थिति को देखते हुए तत्काल पुलिस को सूचना दी। जहां मौके पर पुलिस पहुंची, जहां 250-300 लोग एक घर में इकट्ठा थे, वहां ईसाई धर्म से जुड़ी बातें व प्रलोभन की बात बताई जा रही थी, जिसके बाद विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर शौरतगढ़ सर्कल के सीओ सुजीत कुमार ने बताया कि राकेश मिश्रा ने पुलिस को सूचना दी कि चिल्हिया थाना क्षेत्र के मलिहाड्डी गांव में धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। इनकी तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मेरा नाम राकेश मिश्रा है। क्या विश्व हिंदू महासंघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष है। आपने शिकायत आज थाने में की है धर्म परिवर्तन को लेकर, क्या है ये पूरा मामला? हमारे क्षेत्र में मलिहाड्डी है, हरजन टोली है, वहाँ काफी दिनों से, काफी महीनों से धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था, जिसकी शिकायत हम लोग मतलब लोगों कर रहे थे, हम लोगों से इसकी सूचना आज मिली तो वहाँ काफी संख्या में बिजलाल के घर पे 250-300 की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग वहाँ उपस्थित थे। हम लोग पहुंचे तो उनको मतलब ईसाई धर्म में लोगों बता रहे थे, हम लोग मना किए तो नहीं माने, फिर पुलिस को सूचना दिया गया, पुलिस आई, दो लोगों को गिरफ्तार की है, मुकदमा लिख रही है। क्या समझाते थे वहाँ? यही समझा रहे थे, पैसा का लोभन देते थे, जो गरीब कुचले लोग के इंसान है उनको भला फुसला कर ईसाई बनाते हैं। तो वहीं आसपास के लोग आपको सूचना दे रहे थे? जी। तो आपने क्या किया? तहरीर देकर कार्रवाई करवा रहे हैं। चाहते हैं कि आगे ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जिससे धर्म परिवर्तन ना करें, सनातन धर्म में ही रहें, सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है हमारे लिए। लोग मान लीजिए वहां धर्म परिवर्तन करा चुके, उनके लिए कोई प्रयास करेंगे? प्रयास यही रहेगा कि उन लोगों को फिर से सनातन धर्म में वापसी लाया जाएगा, घर वापसी लाया जाएगा। मैं सुनील त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ सिद्धार्थनगर। मुझे काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि मलिहापुर के हरिजन टोला में ईसाई धर्मांतरण की बात चल रही थी और ये लगभग हर सप्ताह रविवार के दिन ये काम करते थे। आज हमारे संगठन के सभी सक्रिय सदस्य वहां लगे हुए थे। दिन में लगभग 12 बजे के आसपास जब उन्होंने देखा कि घर के अंदर 250-300 महिलाएं वहां एकत्रित हो गई हैं, तो इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के साथ मिलकर के लोगों ने उन लोगों को हटवाया, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ईसाई धर्मांतरण के मामले में वहां कई लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा चुके हैं। हमारा संगठन ये कोशिश करेगा कि इन लोगों को पुनः अपने घर वापस लाया जाए और हिंदू धर्म वापसी कराया जाए। तो आप लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करवाया? जी, थाने तहरीर दे दी गई है और मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। आज सर्किल सौरतगढ़ के थाना चिलिया अंतर्गत ग्राम मलिहाडी हरजन टोला में एक शिकायत प्राप्त हुई। श्री राकेश मिश्रा जो सीतारामपुर के निवासी हैं, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र थाना चिलिया पर दिया कि वहाँ पे दुर्गेश और ब्रजलाल ये अपने मकान में कुछ लोगों को बरगलाकर ईसाई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना चिलिया द्वारा उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर ब्रजलाल और दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है।